पीएम आवास पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, बीएल वर्मा पीएम आवास पहुंचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद पीएम आवास पहुंच चुके हैं, जीतन राम मांझी, अर्जुन राम मेघवाल पीएम आवास पहुंचे हैं, निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल पीएम आवास पहुंचे हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं पीएम आवास में। पीएम आवास पर चाय पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और इस चाय पार्टी में शामिल होने के लिए जो संभावित मंत्रियों के नाम वो हम आपको बता रही हैं कि कौन कौन पहुंच चुका है। जो जो चाय पर चर्चा में मौजूद है वो मंत्री बनाया जा सकता है। और अभी मौजूदा समय में तमाम जो नेताओं के नाम हम आपको दिखा रहे हैं, ये नेता चाय पर चर्चा में मौजूद है। पीएम आवास में नेता मौजूद हैं, चाय पर चर्चा चल रही है, संभावित मंत्री पीएम आवास पहुंच चुके हैं। इनमें किन लोगों के नाम है आप देख लीजिए। और बात करेगा शिवराज सिंह चौहान की, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से बंपर जीत हासिल की। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से जीत हासिल की उन्होंने। ये दो चेहरे मध्य प्रदेश के मौजूद है चाय पर चर्चा में। जितिन प्रसाद पीएम आवास पहुंच चुके हैं, जीतन राम मांझी भी पहुंच चुके हैं, अर्जुन राम मेघवाल भी पहुंच चुके हैं, निर्मला सीतारमण, तो कौन कौन पहुंच चुका है ये तो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक तरफ आपको बताते हैं मोदी 3.0 की बड़ी बातें क्या है। अमित शाह की कैबिनेट में वापसी तय है, राजनाथ सिंह की कैबिनेट में वापसी तय है, जेपी नड्डा कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान बन सकते कैबिनेट मंत्री, जेडीयू कोटे से ललन सिंह बनेंगे कैबिनेट मंत्री, मनोहर लाल खट्टर, आरएलडी कोटे से जयंत चौधरी बनेंगे केंद्रीय मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा नितिन गडकरी, पीयूष गोयल की वापसी तय है, राव इंद्रजीत बन सकते हैं मंत्री, किरण रिजिजू की भी वापसी लगभग तय मानी जा रही है और रामदास अठावले की भी वापसी तय मानी जा रही है, निर्मला सीतारमण की मंत्रिमंडल में वापसी तय है, गृह रक्षा वित्त मंत्रालय खुद भारतीय जनता पार्टी रख सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सीसीएस वाले मंत्री पद पर बीजेपी समझौता नहीं करेगी, सूत्र ये बता रहे हैं कि विदेश मंत्रालय भी अपने पास ही रखेगी भारतीय जनता पार्टी। संदीप पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अभी क्या हलचल है राजधानी में, चाय पर चर्चा क्या चल रही है? देखिए, चाय पे चर्चा जारी है और नव निर्वाचित सांसदों का प्रधानमंत्री आवास पे मंथन चल रहा है। करीब 45 से अधिक नामों की तस्वीर साफ हो चुकी है जो कि पीएम के आवास पे गए और इनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ सावित्री ठाकुर का भी नाम है जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है। इसको लेकर लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल को लेकर, उसमें तीन नाम सबसे उभर कर मध्य प्रदेश के सामने आए हैं, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सावित्री ठाकुर। ये तीन नाम मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी के लगातार फोकस में है और मध्य प्रदेश के लोगों ने भी बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया और बेहतर नतीजे आए और वहां पे बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। फिलहाल जो 3-0 की अभी की तस्वीर सामने आ रही मोदी 3-0 की, उसमें ये तीन नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा जो आगे विस्तार होगा उसमें भी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन 45 से अधिक नाम है जो विभिन्न राज्यों के हैं जो मंत्रिमंडल में आज शाम को शपथ ले सकते हैं। ऐसे 45 चेहरे प्रधानमंत्री मोदी के आवास चाय पर पहुंचे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शाम को शपथ दिलाई जा सकती है। राष्ट्रपति भवन में इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, पूरा दिल्ली नो फ्लाइंग जोन एरिया घोषित कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और शाम 7:15 बजे होने वाले शपथ समारोह में आम से लेकर खास लोग तक शामिल होंगे। अगर आम लोगों की बात करें तो इसमें सेंट्रल विस्टा के मजदूर होंगे, रेड माइनर्स होंगे जो कि उत्तराखंड में जब टनल हादसा हुआ था तो तमाम जिंदगियों को बचाने में उन्होंने सफलता हासिल की थी, वो भी प्रधानमंत्री के शपथ समारोह के साक्षी बनेंगे। अगर खास लोगों की बात करें तो 7 राष्ट्राध्यक्ष भारत आ चुके हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में शामिल होंगे, चाहे वो बांग्लादेश प्रधानमंत्री हों,
मालदीव के राष्ट्रपति हों या मॉरिशस के प्रधानमंत्री, इन लोगों का भारत आगमन हो चुका है और बेहतर तरीके से इनका स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर और ये लोग होटल में ठहरे, वहां पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। कुल मिला के आज भारत में एक और इतिहास रचने जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ठीक है संदीप, ये वो तमाम अहम अतिथि है, विशेष अतिथि है जो इस पल के साक्षी होंगे और प्रधानमंत्री जब पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे तो उस वक्त का क्षण भी हम अभी से ही इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितना ऐतिहासिक और कितना भव्य होने वाला है। जो नाम आप गिना रहे थे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह लीजिए, शिवराज सिंह चौहान और सावित्री की भी आपने बात की है, हिमाद्री सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर कोई चर्चा है क्या? देखिए अभी जो हम लोग उन नामों की चर्चा कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री के आवास पे जिनका आगमन हुआ है और अभी संभावना बरकरार है क्योंकि अभी लगातार लोगों का आना जाना जारी है, फोन आ रहे हैं और धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ये हो सकता है कि प्रथम मंत्रिमंडल जो कि आज शपथ लेगा उसकी झलक हो, इसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा। तो अभी किसी के नाम को अगर कह दिया जाए कि ये नाम नहीं है तो ठीक नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ऐन वक्त भी बड़े फैसले ले सकती है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल की ये शुरुआती जो है झलक है, संभावनाएं हैं कि इन लोगों का नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। वहीं जो क्लियरिटी है वो थोड़ी देर बाद आएगी, खासकर जो अभी चाय पे चर्चा चल रही है उसके बाद क्या फैसले आते हैं, क्या चीजें निकल के आती हैं, वो बात अहम होगी कि शाम को किसको मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, उसकी भी लिस्ट बाहर आएगी तो ये कंफर्म किया जाएगा कि कौन से चेहरे मोदी 3 मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अभी कुछ भी बयानबाजी करना या अंदाजा लगाना ये ठीक नहीं है क्योंकि ये भी नहीं कहा जा सकता है किसका नाम नहीं आ सकता है और किसका आ सकता है, जो अभी चर्चा चले, जो मोदी आवास पे चर्चा के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है, कब तक ये चाय पर चर्चा जारी रहेगी, कुछ जानकारी मिली है क्या? क्योंकि शुरू हो चुकी है चाय पर चर्चा और फिर अब लंच का वक्त हो जाएगा, कहा जा रहा है कि उसके पहले भी कुछ एक आधी मीटिंग्स और बैठकें होंगी बीजेपी के नेताओं की। बाद फिर सपा समारोह की तैयारियां होंगी, जो भी अभी स्थिति चल रही 1 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि 1 घंटे में पूरा मंथन मंत्रिमंडल को लेकर हो जाएगा क्योंकि चर्चा जो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी हुआ था वो 11:30 बजे के बाद शुरू हुआ था। इससे पहले घटक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री से चर्चा की और उनके जो भी मंत्रिमंडल को लेकर विभागों का बंटवारा होगा जो भी होगा सामंजस्य घटक दलों के बीच बनाया गया और कई बड़े नेताओं के यहाँ भी विपक्षी जो गठबंधन दलों के नेता हैं उनकी बैठक, खासकर राजनाथ सिंह के यहाँ भी घटक दलों के कुछ नेता पहुंचे। अनुप्रिया पटेल हैं यूपी से, वो राजनाथ सिंह के आवास पे पहुंची थी। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह के यहाँ भी कुछ नेता पहुंचे। तो मंथन का दौर जारी है, अब इसका अमृत निकलने वाला है और शाम 7:15 बजे इसकी तस्वीर पूरी तरीके साफ हो जाएगी कि मोदी 3 की सरकार की तस्वीर क्या है, क्या झलकियां हैं, वो सभी 7:15 बजे हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो भी नाम चल रहे हैं संभावित नाम है कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, 45 से अधिक नाम बाहर आ चुके हैं जो कि मोदी के आवास पे चाय पे चर्चा के लिए गए थे, जिनको फोन किया गया था, बुलाया गया था। तो ये नाम दर्शकों के सामने पहुंचाए जा रहे हैं और जैसे जैसे तस्वीर साफ होगी न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले मोदी 3 सरकार का जो भी मंत्रिमंडल होगा उसकी तस्वीर सामने लाएगा। लेकिन इन सबके बीच कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे से हो जाएगी और जो मेहमान है क्या वो सब आ चुके हैं, विशेष अतिथि जिन्हें इन्विटेशन भेजा गया है आज के दिन के लिए? विशिष्ट अतिथि हैं वो सब दिल्ली आ चुके हैं, खासकर अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की बात करें वो तो पहले ही भारत आ चुकी थी 1 दिन पहले ही। इसके अलावा अन्य जो भी राष्ट्राध्यक्ष आने हैं उनका सुबह से आना जारी है, मालदीव और मॉरिशस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी सुबह ही आ चुके थे 10 बजे के करीब, अन्य लोग भी आ चुके हैं और जो 7:15 बजे कार्यक्रम है वो शपथ ग्रहण समारोह का शुरू हो जाएगा। उससे पहले 2 घंटे पहले उसके व्यवस्था पूरी वहां पे चाक चौबंद कर दी जाएगी। राष्ट्रपति के भवन के आसपास एनएसजी कमांडो लगाए गए हैं, कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, नो फ्लाइंग जोन है, कोई भी एक्टिविटी आसमान में नहीं हो सकती, चाहे वो ड्रोन हो चाहे पैराग्लाइडिंग हो, ये कोई एक्टिविटी दिल्ली में अगले दिन तक बाधित है, यानी कि कल तक पूरी तरीके से पाबंद रहेंगे। इसके अलावा दर्जन भर रूट ऐसे हैं जिनको डाइवर्ट कर दिया गया है, राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाले सभी रूटों पे पाबंदी लगा दी। बिल्कुल संदीप, एक बार नजारा भी दिखाइए पूरी तरीके से आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द राष्ट्रपति भवन के पास।
अगर आप मौजूद हैं तो एक बार जरूर नजारा दिखाइए। क्षमा चाहूंगा, इस समय जहां पे हम हाँ। लोग मौजूद हैं वो एक जनप्रतिनिधि का आवास है, लिहाजा वो नजारा नहीं दिखा सकते हैं। इससे पहले हमने दर्शकों को सीधे वहां की तैयारियां दिखाई थी, और कुछ देर बाद जब वहां पे पहुंचेंगे दर्शकों को फिर से राष्ट्रपति के भवन हाँ। आसपास क्या शपथ समारोह को लेकर तैयारी है वो भी जो भी जानकारी होगी साझा करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा की जो मुलाकात हुई इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास संदीप, क्योंकि यहाँ पर चाय पर चर्चा के पहले दोनों ही नेताओं की काफी लंबी मुलाकात चली है। देखिए, जेपी नड्डा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, और जो चर्चा चल रही है दिल्ली में वो ये है कि जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ये बड़ी खबर है। और इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की वार्ता हुई है, क्योंकि जेपी नड्डा के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर चर्चा है। इसी वजह से ये अमित शाह के साथ चर्चा की बात की जा रही है। अब कौन सा मंत्रालय जेपी नड्डा को मिलता है और क्या आगे की रणनीति होगी बीजेपी की, वो धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। ठीक है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा क्या विपक्ष के किसी नेता को भी आमंत्रण भेजा गया है क्या शपथ ग्रहण के लिए? देखिए, करीब 8000 मेहमान होंगे। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के अलावा विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया। खासकर ममता बनर्जी ने शपथ समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि वो शपथ समारोह में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन जो एक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा होती है उसके तहत विपक्षी दलों के नेताओं को भी शपथ समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। करीब 8000 मेहमानों की व्यवस्था राष्ट्रपति भवन में की गई है जो कि शपथ समारोह में भाग लेंगे। बहुत शुक्रिया संदीप विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिए, जिस तरीके से आप देख रहे थे कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है और साथ ही नेताओं की चाय पर चर्चा भी चल रही है। तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई चौक चौराहे नरेंद्र मोदी को बधाई देते पोस्टर और होर्डिंग से भरे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप चौक चौराहों का हाल, जहां नरेंद्र मोदी की तस्वीर और ये कोटेशंस। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, और उसके लेकर आप देखें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चौक चौराहों पर इस तरीके के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर वो लगाए गए हैं आधुनिक भारत के निर्माता श्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सभी देशवासियों को बधाई। और इस तरीके के होर्डिंग शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। आप देखें कि ये दूसरा होर्डिंग यहाँ पर लिखा है, और अलग अलग होर्डिंग में अलग अलग संदेश, मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई। और ये जो तीसरा जो होर्डिंग है काफ़ी बड़ा साइज में यहाँ पर लगाया गया है। ये लुटियंस दिल्ली की ये तस्वीरें, नई दिल्ली की तस्वीरें, और यहाँ से ठीक पास में पार्लियामेंट है, ठीक पास में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन है। तो इस तरीके की होर्डिंग जो शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए लगाए गए हैं।